मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरफेस केमिस्ट्री का कैटलिसिस। तो हम पढ़ेंगे कैटलिसिस क्या है क्लास 12th। तो हमें जैसे पता है कि बहुत सी रिएक्शन जो होती हैं वो किसी पर्सन मतलब किसी सब्सटेंस के प्रेजेंस में होते हैं, जिसे वो फास्ट या स्लो हो जाती हैं। ये ब्रेसलिस ने 1835 में स्टडी की थी, तो उसने ये कैटलिस नाम दिया था इन फॉरन सब्सटेंस को। कैटलिस एक सब्सटेंस होता है जो चेंज करता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब खुद यूज़ नहीं होगा मगर रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देगा। तो उसकी मास में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा रिएक्शन के, और लास्ट में आपको वही मिलेगा जो रिएक्शन मिलनी है। तो उसे हम कैटलिसिस बोलेंगे, फिनोमेना को इस कैटलिसिस बोलेंगे, और जो हम डालते हैं उसे कैटलिस बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए पोटेशियम क्लोरेट है, यहाँ पर लिया हुआ है पोटेशियम क्लोरेट, उसको हीट करना है आपको स्ट्रांगली। ये डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, डाइऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड। डिकम्पोजिशन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर, ये डिकम्पोजिशन हाई टेम्परेचर पे होगी, कितनी 653 से 6873 केल्विन पे। हाउ व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, अगर हम थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें ऐड कर दें तो डिकम्पोजिशन नॉट ओनली बिकम फास्टर, डिकम्पोजिशन ना सिर्फ जल्दी होगी मगर ये बट टेक प्लेस एट मच लोअर टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे हो जाएगी। इन द रेंज कितना, 473 टू 633 केल्विन पे। जैसे MnO2 इज़ फाउंड टू हैव सेम मास, मतलब MnO2 जो वापस आपको मिलेगा उसका सेम मास होगा, कंपोजिशन भी सेम रहेगी एंड ऑफ द रिएक्शन में। तो MnO2 क्या होगा, कैटलिस्ट होगा इस रिएक्शन में। तो कैटलिस्ट क्या होगा, जो हम किसी भी रिएक्शन में कोई स्लो रिएक्शन हो रही है उसमें उसको फास्ट करने के लिए उसमें ऐड कर देंगे, तो वो खुद तो चेंज नहीं होगा और लास्ट में वैसे का वैसा मिलेगा, ना उसके इस रिएक्शन की कोई कंपोजिशन चेंज करेगा, तो उसे हम बोलेंगे कैटलिस्ट। जैसे यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट में हमने क्या ऐड किया, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो उसने क्या किया रिएक्शन को फास्ट कर दिया। अब कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो फिनोमिना है वो दो तरीके का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट इंक्रीज कर रहा है स्पीड ऑफ द रिएक्शन उसे बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड द फिनोमिना बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिसिस। अगर वो रिएक्शन को स्लो कर रहा है, कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट और ये फिनोमिना को बोलेंगे नेगेटिव कैटलिसिस। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3, अगर हम SO2 से SO3 बनाए, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। NO की प्रेजेंस में लेड चैम्बर प्रोसेस और इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटोक्साइड, जिसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता है, ये पॉजिटिव कैटलिसिस है। तो इसमें SO2 टू SO3 जिसमें NO ऐड कर रहे हैं, या फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में जिसमें वैनेडियम पेंटोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, ये रिएक्शन को फास्ट करते हैं, इसलिए हम इसको पॉजिटिव कैटलिसिस बोलते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O, जैसे यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, अगर हम डिकम्पोजिशन करें H2O2 की किस में प्रेजेंस में, ग्लिसरॉल या एस्टेनोलेट के प्रेजेंस में या फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये एंड ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, अगर हम ऑक्सीडेशन क्लोरोफॉर्म की करें किसकी, अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो ये सारी नेगेटिव कैटलिसिस हैं, मतलब रिएक्शन को स्लो कर देंगे ये कैटलिस्ट जो है। हाउएवर द टर्म कैटलिस्ट यूज विदाउट एनी प्रीफिक्स इंप्लाइज पॉजिटिव कैटलिस्ट, मतलब इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगाया जाएगा कैटलिस्ट के आगे। इट मे आल्सो बी नोटेड दैट वेयर से पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी को भी कम कर देता है, दैट इज लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। और नेगेटिव कैटलिस्ट रेज द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, ये पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, मतलब इंक्रीज करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को हाई कर देगा। अब है प्रमोटर एंड पॉइजंस। प्रमोटर हुआ जो इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, और पॉइजन हुआ जो स्लो करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। सच सब्सटेंस जैसे कि आर्सेनिक है, कार्बन मोनोक्साइड है, अगर ये प्रेजेंट हो तो ये लोअर कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी मतलब कि एक सॉल्यूशन है उसमें आपने कैटलिस्ट ऐड किया है, तो उसमें अगर ये सब्सटेंस हो तो ये एक्टिविटी को स्लो कर देंगे, मतलब इसकी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो कर देंगे, तो इनको बोलेंगे कैटलिटिक पॉइजंस, मतलब कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को ही रोक देंगे। दिस सीम टू बी ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस पॉइजन आर प्रोफेशनली एब्जॉर्ब्ड एट द एक्टिव साइड, ये क्यों होता है कि कैटलिस्ट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे रिएक्टेंट ने जहाँ पे एब्जॉर्ब होना था वहाँ पे खुद जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अ सब्सटेंस इफ प्रेजेंट अलॉन्ग विद द कैटलिस्ट एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, अगर एक सोल्यूशन है उसमें आपने कैटलिस्ट डाला हुआ है और आप एक कोई सब्सटेंस है ऐसा जो आपने उसमें ऐड कर दिया और वो उस रिएक्शन को और फास्ट करवा रहा है, तो मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और फास्ट करवाता है, तो उसको बोलेंगे कैटलिटिक प्रोमोटर बोलेंगे। प्रोमोटर मतलब बढ़ाना, जैसे मॉलिब्डेनियम एक्ट एज प्रोमोटर, ये मॉलिब्डेनियम प्रोमोटर होता है फॉर आयरन कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर अमोनिया,
अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में आयरन को, आयरन की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए मॉलिब्डेनियम एक्ट करता है, मतलब उसको बढ़ा देता है उसकी कैटलिटिक प्रॉपर्टी, किसकी, आयरन की, जिसमें हैबर प्रोसेस, जिसे हैबर प्रोसेस वो होती है जिसमें अमोनिया बनाते हैं। दिस सीम टू बी ड्यू टू द फैक्ट दैट प्रोमोटर इंक्रीज द रफनेस ऑफ द कैटलिस्ट सरफेस। प्रोमोटर करते हैं कैटलिस्ट की सरफेस को रफ कर देते हैं। एज ए रिजल्ट जिससे क्या होता है, फ्री वैलेंस इंक्रीज, जिससे उसकी साइड्स बढ़ जाती हैं एडसॉर्प्शन की, एंड एडसॉर्प्शन इंक्रीज एंड सो डज द रेट। एडसॉर्प्शन बढ़ जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, रेट भी रिएक्शन का फास्ट हो जाता है। तो हमने पढ़ा कैटलिसिस, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो हम किसी भी सब्सटेंस में ऐड करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक्टिविटी को स्लो या फास्ट कर देंगे विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। अपने में कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे के वैसे ही मिलेंगे। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो हुआ जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ा देंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट वो हुआ जो रिटार्ड करेंगे, मतलब कम कर देंगे रिएक्शन को। प्रोमोटर हुआ जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोक देंगे, प्रोमोटर हुआ जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। पॉइजन हुआ जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो कर देंगे।